आपके खाने के स्वाद को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटा सा अचार, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो उसके लिए मैंने ली है ये लंबे वाली मिर्चें, 7 से 8 हैं, इनके हम स्टेम उतार देंगे और अब हम इसे काट लेंगे। तो मैंने इसे 1 इंच के टुकड़ों में काटा है। ये वाली मिर्चें थोड़ी सी तीखी कम होती हैं, तो खाने के साथ ये मिर्चें बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं। तो बस मैंने सारी मिर्चों को कट कर लिया है। मसाला बनाने के लिए फ्राई पैन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और साथ ही 1/4 टीस्पून कलौंजी। इन सारे मसालों को हमें भुनना है, तो गैस को ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करते हुए भुन लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, इसे थोड़ा सा ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। अब बस एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे कटी हुई मिर्चों को, उसके ऊपर से डालेंगे जो मसाला हमने पीस कर रखा है वो, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून। अब मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है, गरम तेल को हम डालेंगे अपने मसालों के ऊपर और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। झटपट से बनने वाला मिर्ची का अचार हमारा बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठों या फिर भटूरों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अचार को ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखने के लिए आप इसे फ्रिज में रखिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।